ज्ञान लेंगे उनसे, वो ज्ञान लेंगी, वो ईश्वर का ही ज्ञान लेंगी और दूसरे धर्मों के ज्ञान को नहीं मानेगी। 23 करोड़, इसलिए 33 करोड़ का गायन है। और जिनकी पुरुषार्थ में अपनी चढ़ती कला होती होगी, उनकी निशानी होगी कि वे दूसरों का भी भला करने में लगे रहेंगे। अगर कोई दूसरों का भला करने में नहीं लगे हुए हैं, दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाते हैं, तो इससे साबित होता है कि उनकी उतरती कला है, चढ़ती कला नहीं है। और है नंबर वन आत्मा होगी तो पुरुषार्थ में नंबर वन चढ़ती कला होगी, सर्व से भी क्या रह न सके, सोते जागते उठते बैठते चलते हर समय क्या करेगा, सर्विस ही सर्विस करेगा। खाली बैठे भी हैं तो भी विचार सागर मंथन चलता रहे, विचार सागर मंथन चलना, नए नए पॉइंट निकालना, नए नए पॉइंट्स का आविष्कार करना, ये भी चढ़ती कला है। नए नए पॉइंट्स निकालेंगे तो दूसरों को सुनाएंगे। और सन्मुख नहीं लेंगी, लेकिन आगे पीछे वो ज्ञान लेंगी जरूर। जो सन्मुख ज्ञान लेंगे, दो शब्द भी मेरे मुख से आकर के सुनेंगे तो वो स्वर्ग में जरूर आ जावेंगे, अगले जन्म में नहीं, कौन से जन्म में, इसी जन्म में स्वर्ग में आ जावेंगे। नरक की दुनिया में आकर के मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूं, बाकी 10 करोड़ तो इस जन्म में नहीं आ जावेंगे। 10 करोड़ तो नंबर वार कम जन्म लेने वाले होते हैं। तो मुस्लिम धर्म में जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं शुक्रवार को, मुस्लिम धर्म में जब नमाज पढ़ने जाते हैं, कौन से धर्म, मुस्लिम धर्म, हाँ, तो बाबा टोपी जरूर लगाते हैं, ऐसा क्या होता है? टोपी जो है वो इज्जत की निशानी है, जो खुदा को नमन करते हैं तो इज्जत से नमन करना चाहिए, बेइज्जत होकर नमन करना चाहिए। बेइज्जत होकर के नमन किया तो क्या किया, तो टोपी धारण करते हैं, कलयुगी द्वापर युगी दुनिया में भी राजाओं की बड़ी भारी इज्जत रही है, और राजाई जितना मुस्लिम धर्म में चली है दुनिया में, उतना और किसी धर्म में राजाई नहीं चली है। एक टाइम था सारी दुनिया में मुसलमानों का राज्य था, एक क्रिश्चियन तो अभी 200 वर्ष के अंदर दुनिया में आगे बढ़े हैं, जिनके कारण राजाई ही खलास हो गई।
है शिशुपाल ने है हाँ राम रावण बनता है कि नहीं बनता है? अरे राम रावण बनता है, रावण बनेगा तो बुरे ही काम करेगा अच्छे काम करेगा? राम वाली आत्मा तमो प्रधान बनती है या नहीं बनती है? जब तमो प्रधान बनेगी तो खुद को ही भगवान समझने लग पड़ेगी। शिवो हम कहना ये बड़े से बड़ा पाप है। हनुमान ने कोई कुल घातक होने का काम नहीं किया, और विभीषण तो अपने कुल का घातक बन गया, कुल घाती बन गया, इसलिए विभीषण का गायन नहीं है, विभीषण का पूजन नहीं है। किसका पूजन है? हनुमान का पूजन है। और नारायण और लक्ष्मी, हाँ विश्व महाराजन नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी। 36वें विश्व कब होगा? विश्व माने सारे धर्म, सब देश जिसमें समा जाएं, वो कब होगा? है मालूम नहीं? अभी दुनिया में विश्व है या नहीं है? तो अब ही होना चाहिए विश्व महाराजन और विश्व महारानी। जब तक संगम है तब तक विश्व है, और संगम खलास हो जावेगा तो कौन सा युग आ जावेगा? सतयुग। सतयुग में सिर्फ देवताएं होंगे, देवता धर्म होगा या सब धर्म होंगे? वहां विश्व धर्म नहीं होंगे, विश्व धर्मों की आत्माएं मर्ज हो जाएंगी। अभी तो सब धर्म की आत्माएं मर्ज हैं। हाँ बिल्कुल, सब आत्माएं शांत होकर के ही परम धाम वापस जावेंगी या अशांत होकर के जावेंगी? आत्मिक स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी यहाँ इस दुनिया में? बनेगी, भले कोई की सजा खा करके बने या तो अपने पुरुषार्थ से बने। तो एक टाइम आवेगा जरूर जो सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र नारायण को अपना बाप मानेंगे, विश्व पिता मानेंगे, और मानेंगे तभी शांति स्थापन होगी। हाँ जी, राम वाली आत्मा 2018 में संपूर्ण नारायण तक छोड़ जाएगी, तो बाबा ने कहा है कि 500 करोड़ सभी आत्माएं, जब 500 करोड़ सभी आत्माएं सृष्टि में उतर आएंगी तो राम ही रावण बनेगा। दो राम ही रावण बनेंगे जब 500 करोड़ आत्माएं कब उतर आवेंगी? 18 में उतर आवेंगी?
संपूर्ण बनेगी तो परमधाम जावेगी नहीं जावेगी? वो संपूर्ण बनने के बाद भी आत्माएं इसी सृष्टि पर रहेंगी, आप समान बनाने की सेवा करेंगी, 2036 में सभी आत्माएं वापस जावेंगी। हाँ, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हीरो पार्ट हरी आत्मा है, विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा है। ये जो सुनेगा जो देखेगा वो मानेगा। बाबा ने कहा है कि 500 करोड़ सभी आत्माएं सृष्टि पर जब उतर आएंगी। कब उतर आएंगी? लास्ट में राम ही रावण बन जाएगा। राम रावण बन जाएगा यानी तमो प्रधान पाठ बजाएगा। और कहा है कि राम वाली आत्मा सबसे जाती रसोतल में जाएगी। सबसे जाती रसोतल में जाएगा। जो सबसे नीचे गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अगर अगर नीचे जाने की डुबक लगा के नीचे जाने की ताकत नहीं है तो ढेर की ढेर आत्माओं को उद्धार करने की भी ताकत नहीं हो सकती। जो तारु होते हैं वो क्या करते हैं? टुब्बक लगाते हैं और जो नीचे डूबे हुए हैं एकदम तल्ले में जाके गिरते हैं उनको भी उठा के ऊपर लाते हैं। बाबा जब नारायण प्रत्यक्ष हो जाएगी तो रसातल में कैसे चली जाएगी? पार्ट बजाएगी। पार्ट बजाना यही तो कहते हैं कि भगवान तेरी लीला लीला कह दिया है। और हाँ जी बाबा ने कहा है कि आठ के अलावा सभी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। आठ भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं? आठ के अलावा आठ भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं थोड़े समय के लिए। माया किसी को नहीं छोड़ती है, सब को हिलाती है। हाँ बाबा, जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है 50,000 का, क्या वो इन सभी संकल्पों के विरोधी बनेंगे या प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में विरोधी पाठ बजाएंगे? विरोधी पाठ बजाएंगे, बाप को भूले माना विरोधी बन गए। और हाँ जी, हनुमान जी की रचना हनुमान जी की रचना हनुमान चालीसा की रचना क्यों की? क्योंकि जो तुलसीदास वाली आत्मा है उस तुलसीदास की आत्मा में ही हनुमान की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो दोनों आत्माओं का शरीर व्यक्तित्व मिलकर के पर्सनालिटी एक हो गई या दो? एक ही पर्सनालिटी हो गई। जब एक ही पर्सनालिटी है तो अपनी अपनी कथा कहानियां करेंगे भक्ति मार्ग में या नहीं करेंगे? अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है तो हनुमान की महिमा की है। और हनुमान जी की आत्मा कौन है? कहते हैं हनुमान हवा में उड़ता था। किसका पुत्र था? पवन पुत्र था। तो ये सूक्ष्म शरीरधारी जो होते हैं वह हनुमान मिसल हवा में उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं?
तो हवा में उड़ने वालों में वो बहुत पावरफुल आत्मा है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है जो हवा में उड़ती रहती है? ब्रह्मा बाबा। जब ब्रह्मा की आत्मा संपन्न बन जाएगी, अपने को और अपने बाप के पार्ट को पहचान लेगी, तो सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाएगी, या ये चाहेगी कि राम और लक्ष्मण और सीता काम करते रहें? सूक्ष्म शरीरधारियों में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीरधारियों में ज्यादा ताकत होती है? सारा कार्य संपन्न करती है जब निश्चय बैठता है। तो नवरात्रों में जौ क्यों उगाते हैं? जितने भी धान्य हैं, अनाज हैं, उनमें जौ की क्या विशेषता है? है? जौ बहुत ठंडा होता है सभी अनाजों में, तो शीतल स्वभाव वाली आत्माएं कौन सी हैं? राक्षसी आत्माएं शीतल स्वभाव की हैं, शीतल स्वभाव संस्कार की, या देवात्माएं हैं? देवात्माएं हैं। वो देवात्माओं की खेती करते हैं, अर्थात संगम युग में देवात्माएं ही आकर के ज्ञान लेती हैं, जन्म लेती हैं। तो उनकी यादगार में नवरात्र जब जब होते हैं, तो देवियों की यादगार है, जिन पर देवान का छिलका बहुत चढ़ जाता है। जो दूसरे देवताएं हैं उनको चंद्रवंश का बीज कैसे कहेंगे? सिर्फ चंद्रवंश के ही बीज नहीं, और जो जो धर्म की आत्माएं हैं उन सभी धर्मों की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सब देवताएं बनते हैं। 108 बीज हैं, 12 गुणे 9। जो भगवान को मानने वाले धर्म हैं वो कितने हैं? 9 धर्म हैं। 9 धर्मों की 12-12 आत्माओं के ग्रुप हैं। 12 नेमा 108 बीज हैं। बीज का कभी नाश नहीं होता है, वो कितने जन्म लेने वाले हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। इसलिए जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वही देवता कहे जाते हैं। देवताओं में भी अव्वल नंबर देवताएं हैं सूर्यवंशी के बाहर है, उनका साथ देने वाले हैं बाहर है चंद्रवंशी, और उन चंद्रवंशियों की गोद में पलने वाले हैं बाकी 7 देवात्माएं, 7 ग्रुप, 12 × 7 = 84। कितने घंटे की देवी गाई हुई है? 84 घंटों की देवी गाई हुई। ये कौन सी देवी है? भारत माता है या जगदम्बा है?
जगदम्बा है, वो सारे जगत के बीजों की अम्बा है, इसलिए सारे जगत की अम्बा कही जाती है। ऐसे नहीं 500 करोड़ आत्माएं जन्म लेती हैं ज्ञान में, नहीं, 500 करोड़ आत्माओं को जन्म देने वाली जन्मदात्री बीज रूप आत्माएं जो माला की 84 मुख्य आत्माएं हैं, वो जगदम्बा से आकर के शिक्षा लेती हैं। कृष्ण की अस्थि और राम की नवी को कही जाती है, कृष्ण की अस्थि और राम की नवी ये क्यों कही जाती है? कृष्ण की अष्टमी, कृष्णाष्टमी मनाते हैं और राम की नवमी मनाते हैं, क्योंकि आठ आत्माएं बच्चे हैं या बाप हैं, क्या हैं? बच्चे हैं। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या खुद प्रत्यक्ष होगा? राम तो बाप है, तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, और बच्चों में भी जो और धर्म की आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं, आधार मूर्त हैं या बीज हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होंगे या स्वधर्म के देवताएं पहले प्रत्यक्ष होंगे? शास्त्रों में देवताओं को बड़ा दिखाया है या असुरों को बड़ा दिखाया है? असुर बड़े हैं और देवताएं छोटे हैं। आज भी मुरली में आया, ऐसे नहीं जो पुराने पुराने हैं वो सब 84 जन्म लेने वाले हैं, देवता धर्म के पक्के हैं, नहीं, पुराने पुराने पीछे रह जाते हैं पुरुषार्थ में और नए नए गैलप कर जाते हैं। तो ऐसे ही यहां है, जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, पक्के हैं, वो ही गैलप करते हैं, ज्ञानी तू आत्मा बनते हैं। ज्ञानी तू आत्मा बाप को विशेष प्रिय है, तो वो आत्माएं बाप के बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? जैसे ज्यादा सर्वसेबल जो बच्चे होते हैं उनको बाप बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा सेवा करने वालों में कौन सा बच्चा प्रत्यक्ष होता है? कोई बच्चा या बच्ची है? बाप जिनको बहुत प्यार करते हैं उनको सर पर चढ़ाई लेते हैं, कौन है? है गंगा, गंगा को सर पर चढ़ाया हुआ है। सन्यासी लोग गंगा को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं, यानी गंगा हो गई मुखिया, और सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासियों में पहले गंगा निकलेगी या सन्यासी निकलेंगे? पहले गंगा निकलती है, गंगा के पीछे पीछे सात सन्यासी निकल पड़ते हैं और तुम बच्चों की विजय हो जाती है। तो ज्यादा सर्विसेबल कौन सा बच्चा हुआ? है कौन सा बच्चा हुआ रुद्रमाला में? गंगा, इसलिए सर पर चढ़ाया हुआ है। सिर्फ गंगा को ही सर पर नहीं चढ़ाया है, और भी बच्चे हैं कि नहीं? कितने? आठ मड़के हैं जो सर पर चढ़े हुए हैं। तो कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, सात हैं और धर्म के बीज। कृष्ण वाली आत्मा तो
बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके बनती है संपन्न, तो संघ का रंग तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, इसका मतलब सात बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, जेल में जन्म होता है या स्वतंत्रता में जन्म होता है? विकारों की जेल में जन्म लेते हैं। कृष्ण का भी जन्म जेल में होता है। नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं और बाद में बाप खुद प्रत्यक्ष होते हैं। सन्स सोस फादर, फादर सोस सन्स। तो किसकी पहले प्रत्यक्षता होगी है? क्यों बच्चों की पहले प्रत्यक्षता होगी? क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबरवार शक्तिवान है। तो जो सर्वशक्तिवान है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है खुद। बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं। तो रावण के 10 शीशों में सबसे पावरफुल शीश कौन सा है? अरे रावण के सिरों के नाम तो गिनाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण के 5 पुरुष मुख हैं। और भक्ति मार्ग में 5 स्त्री मुख दिखाए जाते हैं, जो प्रकृति के रूप हैं। प्रकृति इसका स्त्री रूप है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो कितने हुए हैं? 10 हो गए। उन 10 सिरों में मुख्य सिर कौन सा है? हैं? काम विकार। काम को शास्त्रों में प्रैक्टिकल रूप दैहिक दिखाया है या सिर्फ आत्मा दिखाया है? दैहिक रूप है, माना शरीर भी है और आत्मा भी है। लेकिन जब कामदेव भस्म हो जाता है तब कहा जाता है हुई है कामो अनंग। सतयुग त्रेता में काम अंगहीन हो जाएगा, माना शरीरधारी नहीं होगा। काम को रूप नहीं होगा। अब बताओ कि शरीर का काम को रूप कौन सा है और वो कामदेव का आत्मिक रूप कौन सा है, जो प्यार के सागर के रूप में बदल जाता है? अव्यक्त वाणी में भी बोला है 5 विकारों को नष्ट नहीं करना है। क्या करना है? उनका रूप परिवर्तन करना है। तो काम विकार को किस रूप में परिवर्तन कर दिया गया है? प्यार के सागर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मतलब राम वाली आत्मा है और इस्लाम धर्म का शरीर है।
इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो शरीरधारी है, दोनों का रूप मिलकर के कामदेव बनता है। नहीं तो काम कोई देव नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राक्षसी रूप हैं, ये देव हैं, राक्षसी रूप है। सतयुग त्रेता में गुरु की रसम नहीं होती है, तो संगम युग में इसकी शूटिंग कैसे होती है? सतयुग त्रेता की शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं? होती है, तो कैसे होती है? जिसको हम सदगुरु समझते हैं वो सदगुरु का प्रैक्टिकल रूप जो होता है वो अपन को सदगुरु नहीं समझता है। किसको समझता है? शिव ऊपर की आत्मा को सदगुरु समझता है, खुद अपन को सदगुरु नहीं समझता है। अपन को मनुष्य गुरुओं की लिस्ट में रखेगा या सदगुरु की लिस्ट में रखेगा? है कौन से रूप में लिखे रखेगा? है वो अपन को गुरु या भगवान कहता है नहीं कहता? पूछा है शनिदेव का पार्टधारी कौन है? शनिदेव अपने बाप को भी गाली देता है या नहीं है? देता है कि नहीं देता है? देता है। देवासुर संग्राम में शनिदेव का रूप दिखाया है। और शास्त्रों में शिशुपाल का भी रूप दिखाया है। वो क्या करता था? भगवान को भी गालियां देता था। नाम क्या रख दिया? शिशुपाल। शिशु माने क्या? बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे, उनको कहा जाता है शिशु। जो बच्चे अभी अभी ज्ञान में पैदा हुए हैं, दूध पिलाने का काम उनका नहीं है। क्या काम है उनका? दूध पीते बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की पालना करता था। माने सर्विसेबल बच्चों की पालना नहीं करता था, सिर्फ सर्विस लेने वाले दुधमुहे बच्चों की पालना करता था, अबोध बच्चों का संगठन बनाता था, अर्थात अज्ञानियों का संगठन बनाता था, बच्चा बुद्धि। तो उसको शिशुपाल नाम दिया गया है। जो बच्चा बुद्धि होंगे वो कर्म अकर्म विकर्म की गति सीखेंगे? नहीं सीखते हैं। वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बनेंगे या और धर्मों में कन्वर्ट होंगे? और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं का जो ग्रुप बनाने वाला है वो शनिदेव या शिशुपाल की लिस्ट में गिना जाता है। राहु और केतु जो खाते हैं वो क्या है? वो भी ऐसे में पूजा तो उनकी भी होती है। पूजा तो उनकी भी होती है। राहु की पूजा थोड़ी ही होती है, शनिदेव की पूजा होती है। राहु को देव नहीं कहते हैं, वो तो खंडित है। जो मूर्तियां खंडित हो जाती हैं उनकी पूजा होती है?
खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। राहु खंडित है या अखंड है? खंडित है, इसलिए राहु देव सुना नहीं सुना। सतयुग में चंद्रमा क्यों नहीं होता है? है सतयुग में दिन ही दिन क्यों होता है? राकापति क्यों नहीं होता? राका माने रात, रात का पति चंद्रमा क्यों नहीं होता? क्योंकि सतयुग त्रेता दिन ही दिन है, वहां सूर्य का ही राज्य है स्थापन किया हुआ। चंद्रमा जो रात है, अंधेरा कायम रहेगा। ऐसे अंधेरे की औलाद वहां नहीं होती है। अंधेरे की औलाद कहां पैदा होती है? द्वापर कलयुग में। इसलिए चंद्रवंशी की औलाद है इस्लामी द्वापर, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि। देवताओं की औलाद नहीं कहेंगे। किसकी औलाद है? किससे पैदा हुए? अरे त्रेता के बाद द्वापर आता है, तो द्वापर में जो धर्मवंश पैदा हुए आखिर किसी से पैदा हुए होंगे कि नहीं? त्रेता की चंद्रवंशियों से पैदा हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सूर्यवंशी आत्माएं तो यज्ञ के आदि में ही चली गई, फिर जो और धर्म के पलते रहे हैं ब्राह्मण, जो अभी भी बेसिक में पल रहे हैं, वो किसकी गोद में पले? चंद्रमा की गोद में पले। तो चंद्रमा का राज्य है, राका का राज्य, रात का राज्य द्वापर कलयुग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग में होता है। जब ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण होता है पूर्णमासी के दिन, तो सागर की लहरें उछाल मारती हैं। ये कौन सी लहरें हैं? ज्ञान की लहरें हैं। ऊंची ऊंची ज्ञान की लहरें उठती हैं। जल को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा पर दाग क्यों दिखाया गया है? दागी जीवन जो होता है वो अच्छा होता है या बेदाग जीवन अच्छा होता है? सूर्य में कोई दाग या धब्बा होता है? नहीं होता है। चंद्रमा में स्ट्रांग जब गया तो वहां के चित्र खींचे गए। बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, वो गड्ढे दाग के रूप में दिखाए जाते हैं। गड्ढे की जिंदगी अच्छी या पहाड़ की जिंदगी अच्छी? पहाड़ पर कैलाशपति रहता है, गड्ढे में पाताल लोक के असुर रहते हैं। पाताल को गड्ढा कहा जाता है। गड्ढे में ज्ञानी जाएगा या अज्ञानी जाएगा? है? अज्ञानी गड्ढे में जाते हैं और ज्ञानी गड्ढे में जाने से बचे रहते हैं। दागी जीवन ज्ञानियों का होता है या अज्ञानियों का होता है?
अज्ञानियों का दागी जीवन होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान चंद्रमा का पार्ट किसका है और ज्ञान सूर्य का पार्ट किसका है? जो ज्ञान चंद्रमा है अज्ञानी होने के कारण, विचार सागर मंथन न कर पाने के कारण, बच्चा बुद्धि होने के कारण मिट्टी खाता है। मिट्टी किसको कहा जाता है? देह अभिमानी की मिट्टी कही जाती है। ये जीवन दागी हो जाता है, इसलिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा क्या खाई, बीच में चौथ खाई। विदेशियों ने भारत में ट्रेन चलाई, चलाई कि नहीं चलाई? चलाई। तो बाबा बेहद के विदेशी कौन हैं? उन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई? बेहद में ट्रेन कौन सी है? संकल्पों की ट्रेन है। ये संकल्पों की ट्रेन अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। क्या संपूर्ण ज्ञान है तो फर्स्ट क्लास ट्रेन होगी, अच्छे से अच्छे संकल्पों की ट्रेन चलेगी, श्रीमत के अनुसार संकल्प चलेंगे। और जब ट्रेन संकल्पों की दूषित हो जाती है तो धुएं वाली ट्रेन होगी या स्वच्छ वातावरण फेंकने वाली ट्रेन होगी? धुएं वाली ट्रेन होती है। पहले कौन सी ट्रेन चलती थी? है धुएं वाली ट्रेन चलती थी, कोयले वाली ट्रेन। अभी तो बिजली की ट्रेन चल पड़ी है, हो सकता है आगे चल करके सौर ऊर्जा की ट्रेन चल पड़े, सूर्य की रोशनी से चलने वाली ट्रेन और बहुत फास्ट दौड़ने वाली ट्रेन। ये फास्ट ट्रेन चलाने वाले विदेशी कौन हैं? बाप क्या बनकर के आया है? विदेशी बनकर के आया है। तो ज्ञान की संकल्पों की तीखी ट्रेन चलाने वाले जो भी विदेशी हैं, वो विदेशी बच्चों में रुद्रमाला आती है या विजयमाला आती है? रुद्रमाला के बच्चे हैं। और रुद्रमाला के बच्चों का बाप कौन है? है रुद्र। वो विदेशियों का भी बाप है, है नहीं है या बन करके आया है? है है नहीं, लेकिन विदेशी बन करके आया है ताकि विदेशियों को भी फायदा हो जाए। ने कौन से कवच कुंडल दान में दे दिए? है अरे बाबा ने कवच कौन सा बताया है? योग का कवच और कुंडल
ज्ञान की कुंडल। सबसे ज्यादा और सबसे पहला पहला ज्ञान का पॉइंट कौन सुनता था? ब्रह्मा बाबा। तो इसकी यादगार उनके कानों में कुंडल पड़े हुए थे और योग का कवच था। कोई मांगने आया तो उसको दान में दे दिए। बाबा महाकाली की भुजाएं कौन बनेंगे? बेसिक वाले बनेंगे या एडवांस वाले बनेंगे? अरे बेसिक वाले पहले या एडवांस वाले आगे? एडवांस वाले, एडवांस का मतलब ये आगे आगे, और बेसिक माने पीछे। तो महाकाली भी बनेंगे तो कौन पहले बनेंगे? एडवांस वाले ही पहले महाकाली बनेंगे, महाकाल बनेंगे। बाकी ऐसे नहीं बेसिक में नहीं बनेंगे, बेसिक वाले भी बनेंगे। क्योंकि बेसिक में रहने वालों में 10-20% से ज्यादा नहीं है चंद्रवंशी जो विजयमाला में आवेंगे। बाकी 80% क्या हैं? विदेशी और विधर्मी हैं। वो विदेशी और विधर्मियों में सारे ही महाकाली की लिस्ट में जाने वाले। युधिष्ठर के साथ साथ कुत्ता स्वर्ग में गया। युधिष्ठर के साथ नहीं, पांडवों के साथ कुत्ता स्वर्ग में गया, स्वर्गारोहण में। कुत्ता का पार्ट बजाने वाली कौन से धर्म की आत्माएं हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं। इस्लाम धर्म की आत्माओं में भी सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है? है ऊपर से आने वाली आत्माएं या जिनमें प्रवेश होता है वो आत्माएं, या जिनमें प्रवेश होता है उनको भी जन्म देने वाली बीज रूप आत्माएं है? बीज रूप आत्माओं में भी कोई फर्स्ट क्लास बीज आत्मा होगी। वो अव्वल नंबर का कुत्ता हो गया जो पांडवों के साथ ही रहता है। किसका साथ देता है? है पांडवों का साथ देता है। स्वर्गारोहण में भी वो साथ रहता है। बाबा आजकल की दुनिया में अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सरकार भी गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और सब धंधा करने वालों में किसान ही सबसे जास्ती गरीब होते जा रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? जबकि अनाज देने के निमित्त किसान ही बनते हैं।
तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग कैसे हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान की खेती करने वाले मनन चिंतन करने वाले गरीब ब्राह्मण है या साहूकार ब्राह्मण है? वो मनन चिंतन मंथन में अपनी सारी ताकत लगाते हैं, तन की ताकत भी, धन की ताकत भी, मनोबल की ताकत भी। तो दुनियावी रीत से गरीब होते जा रहे हैं या रईस होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। जो रईस हैं वो रईस होते जा रहे हैं। तो मनन चिंतन मंथन करने वाले जो साहूकार हैं ब्राह्मणों की दुनिया में भी, उनकी संख्या थोड़ी है या ज्यादा है? है? थोड़ी है। और ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाले जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहेंगे, साहूकार बनेंगे या छोटे साहूकार बनेंगे? बड़े साहूकार बनेंगे। तो बाहर की दुनिया में नेगेटिव रूप में हो रहा है और ब्राह्मणों की दुनिया में पॉजिटिव रूप में हो रहा है। शास्त्रों में दिखाया है कि दुर्गमासुर जब चार वेदों को कंट्रोल करके पाताल में ले जाता है तो चारों तरफ अज्ञानता छा जाती है, तब ऋषि मुनि भी भ्रष्ट बुद्धि बन जाते हैं, देवताएं शक्तिहीन हो जाते हैं, चारों तरफ अकाल ही अकाल पड़ने लग पड़ता है। तो इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है और कब होती है? दुर्गमासुर कौन है? दो माने खराब और गम माने गमन करने वाला। जो खराब रास्ते में ले जाने वाला, गमन करने वाला है, उसका नाम है दुर्गमासुर। वेद शास्त्र अच्छाई के लिए बने हैं या बुराई के लिए बने हैं? जब बने थे तो सतोप्रधान थे या वेद शास्त्र तमोप्रधान थे? सतोप्रधान थे, उनमें अच्छाई भरी हुई थी। बाद में उसकी टीकाएं मनमत के आधार पर की गई मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य विकारी होते गए, उनकी टीकाएं भी विकारी होती गई, दुष्ट रास्ते पर चले गए। सबसे जास्ती दुष्ट रास्ते पर दुनिया तब जाती है जब वेद शास्त्र विदेशों में ले जाए जाते हैं। ये अंग्रेज लोग हमारे शास्त्रों को ढो ढो करके कहां ले गए? पाताल में ले गए। ये पाताल लोक है। जहां इनका राज्य है असुरों का, पातालवासी जब वेद शास्त्र हो जाते हैं तो उन शास्त्रों से अच्छाई खींची जाती है या बुराई का बीज खींचा जाता है? क्या बुराई खींची जाती है? विनाश के लिए
एटम बम बना के रख लिए जाते हैं, एटमिक एनर्जी तैयार होती है, एटमिक एनर्जी से प्रभावित होकर के सारी दुनिया साइंस के रंग में रंग जाती है। साइलेंस का प्रभाव, योग बल का प्रभाव घटता जाता है और साइंस का प्रभाव बढ़ता जाता है। अब इसे ब्राह्मणों की दुनिया में लागू कर ले। ब्राह्मणों की दुनिया में वेद शास्त्र कौन से हैं? मुरलियां। वो मुरलियों के टू दी पॉइंट अच्छे से अच्छे अर्थ भी निकलते हैं। जो भगवान ही आकर के टीचर बन करके उनके अर्थ बताता है और फिर उल्टे अर्थ भी निकाले जाते हैं उन्हीं वेद वाक्यों के, उल्टे अर्थ निकाले जाते हैं तो सारी भक्ति मार्ग की गंगा बहने लगती। वैसे ज्ञान में अभी क्या हो रहा है? मुरलियां तो वो ही हैं ब्रह्मा के मुख से निकाली हुई, लेकिन उनमें मिक्सरिटी की गई है या शुद्ध मुरली सुनाई जाती है? मिक्सरिटी कर दी गई। उस मुरली में भी यूरेनियम घुस गया। यूरिन से बनता है यूरेनियम। ये मुरारजी देसाई का कमाल है। मुरारजी देसाई क्या कहते थे? अपनी पेशाब से अपनी चिकित्सा करो, स्वस्थ बन जाओगे। अब ऐसा होता है क्या? अरे दुर्गंध पीने से दुर्गंधी बनेंगे कि देवताओं की तरह दसों इंद्रियों से नौ इंद्रियों से सुगंध निकलेगी? दुर्गंध ही निकलेगी। तो जो भी मुरारजी देसाई जी के फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण मुरारी देसाई के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुरलियों के उल्टे अर्थ निकाल दिए। एडवांस की मुट्ठी भर आत्माएं मुरली के अनुसार ही अर्थ निकालती है और ढेर के ढेर विदेशी बीके में जो आधार मूर्त बनकर के बैठे हैं दुनिया के, बोलते अर्थ निकाल रहे हैं। भगवान निराकार है, ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु को याद करो। ये ज्योति बिंदु की याद विदेशियों की याद है या स्वदेशियों की याद है? ये विदेशियों की याद है। विदेशियों की याद से बुद्धि तो तीक्ष्ण बनेगी, लेकिन वो बुद्धि दुष्ट रास्ते की ओर जा रही है या श्रेष्ठ रास्ते की ओर जा रही है? दुष्ट रास्ते में जा रही है। दुष्ट रास्ते में जाने के कारण सारा काम उल्टा हो जाता है। जिस ज्ञान से, वेद वाणी से स्वर्ग बनना चाहिए, क्या बनता है? और बीके की दुनिया में नरक बनता जा रहा है। परंतु नरक में रहने वाले कोई अपने को नरकवासी नहीं समझते। क्या समझते हैं? अरे बड़े बड़े महलमाड़ियां, अटारियां हैं, कारें हैं, हम तो हवाई जहाजों में घूमते रहते हैं, तो हम तो कहां के वासी हैं? हम तो स्वर्गवासी हैं। समझने समझने में फेर हो जाता है। तो ये ज्ञान की बेसिक की बड़ी दुनिया में ज्ञान का अकाल पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ज्ञान का अकाल पड़ रहा है। ज्ञान की खेती नहीं हो रही है,
ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का विस्तार होता है, तो बुद्धि याद में ज्यादा टिकती है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ऑटोमेटिक बनती है या नहीं बनती है? बनती है। बेसिक में ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है, खींच खींच करके चार चार घंटे, रात रात भर, तीन तीन दिन, चार चार दिन की भट्टी करके बैठ जाते हैं, तो अकाल पड़ता जा रहा है या अकाल घटता जा रहा है? अकाल बढ़ रहा है। ज्ञान जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, वहां शासन किसका चलता रहा? इस्लामियों का शासन चलता रहा। मुसलमानों के शासन काल में जैसे अकाल पड़ते रहे, इसलिए मुरली में बोला है ये मुसलमान भीख मांगेंगे, काहे की भीख मांगेंगे? आगे चल के ज्ञान धन की भीख मांगेंगे, कहेंगे हमको भी कड़ा नाना दे दो, एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा। जो नोटों की गड्डियां भर भर के बैठे हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है, और ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में ही नहीं होती है, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी दूसरे दूसरे धर्म के बीच घुसे पड़े हैं, जो ज्ञान का उल्टा अर्थ उठाए रहे हैं। कहते हैं एक भगवान सबको थोड़े ही संघ के रंग से पावन बनावेगा, हम बच्चे भी तो सहयोगी बनेंगे, तो उन्होंने भी पतितों को पावन बनाना शुरू कर दिया, कन्याओं को सरेंडर करना शुरू कर दिया, उल्टी उल्टी ज्ञान की गंगा बहाना शुरू कर दिया। मुख से कहते हैं कि भगवान एक व्यापी है, परंतु कभी ये नहीं बतावेंगे मुख से कि एक व्यापी कहां है, यही साबित करने में लगे रहते हैं कि मेरे द्वारा भगवान का काम चल रहा है। ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं। एडवांस ज्ञान एक जगह से ही उठावेंगे, लेकिन ढेर के ढेर मठपंत बनाए देते हैं। तो ज्ञान का अकाल पड़ता है या सरसब्ज दुनिया बनती है? अकाल पड़ता है।